की महानतियों का जो श्रद्धांजलि हम उनको देने जा रहे हैं, भारत सरकार ने जो उनके स्मरण बहुत बार सम्मान दिया है, आज उसी के उपलक्ष्य में राम जानकी सेवा संस्थान के द्वारा हम एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। साथ ही साथ आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई है। वह सम्मान नई दिल्ली से हमारी माता श्री का देहांत तो 2 साल हुआ हो गया है, उनको यह सम्मान 2021 का मिलने जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में हमने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच में है डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह गौतम, जो एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं, उसमें हाई कोर्ट के जज हैं, उसके पूरे गुजरात के एक जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ में नरेंद्र सिंह चौहान, एक भूतपूर्व सैनिक हैं, पहले आर्मी में थे, लेकिन ये सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई पूरे भारत स्तर पर लड़ रहे हैं, हमारे बीच में है। हमारे साथ में है किशन कुमार शर्मा, ये अभी फिल्म एक्ट्रेस में ये काम कर रहे हैं, इनके बहुत सारे एल्बम फिल्म आई हुई है। हमारे साथ में चरण सिंह है, जो राजपूत समाज की आगवानी करते हैं, बहुत सोशल वर्क एक्टिविस्ट हैं। साथ में इसाक सेठ है, सलीम गाची है, हमारे नीरज सिंह चंदेल जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। गफ्फार खान पठान जो हमारे आर्मीडिया काउंसिल के गुजरात प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, नूर आलम अंसारी हैं, पटेल इद्रीस जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद और इसके बाद इलियाद भाई, तो काफी लोग यहाँ हैं जो हमने आज करोना के हिसाब से कम लोगों को इन्वाइट किए हैं। तो सबसे पहले जो आज की रूपरेखा है, आज मैं कहूँगा कि सबसे पहली शुरुआत हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह गौतम आप लोगों को संबोधित करेंगे, आज का जो विषय है उस पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह गौतम जी, राम जानकी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानी ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी, अखंड सैन्य एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान जी और हमारे बड़े भाई फिल्म एक्टर और मेरे भी मार्गदर्शक कृष्ण कुमार शर्मा जी, ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी ने लगभग सबको सबके नाम से संबोधित किया। मैं सबके नाम से तो संबोधित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे सामने उपस्थित तमाम मेरे अभिभावकगण साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर होली के बाद नया वर्ष शुरू होता है। यूँ तो पूरे भारतवर्ष के अंदर नए वर्ष की शुरुआत अमुक जगह पर अमुक महीनों से होती है, लेकिन उत्तर भारत गुजरात और महाराष्ट्र को शायद छोड़ करके पूरे क्षेत्र के अंदर नया वर्ष अभी से शुरू होता है होली के बाद से। आज का जो विषय रखा गया है, जैसा मैं आते हुए पढ़ा इस पर लिखा हुआ है, प्रथम राष्ट्र भारत एक परिवार, हम ऐसी महान भूमि के विरासत हैं जिसकी कल्पना इससे कई गुना बड़ी है। भारतवर्ष ने भारतवर्ष को तो अपना परिवार माना ही माना, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर पूरे विश्व के अंदर मात्र एक ऐसी पावन भूमि है जिसने ऐसा कहा कि अयम निज करो एक गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कौटुम्बकम्। हमने सारे विश्व को अपना कुटुम्ब माना, अपना परिवार माना,
इतनी उदार भावना रखने वाला पूरे इस धरती पर, पूरे इस ब्रह्मांड में कोई पावन पवित्र जगह नहीं है। वह जगह है तो मात्र सिर्फ भारतवर्ष है, और यही एक जगह ऐसी है जहाँ पर साक्षात इस प्रकृति का निर्माता समय समय पर अवतार लेकर के आया करता है। आप दुनिया के पूरे धर्म को उठा करके देखिए, किसी धर्म में आपको भगवान का रिकार्सिनेशन नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन भारत एक ऐसी महान और पवित्र भूमि है जहाँ भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। उसका उदाहरण है राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, ऐसे कई लोग हैं, सब जगह दूत आते हैं। लेकिन इस विरासत ने, जिसने पूरे विश्व को अपना कुटुंब माना, इसकी उदारता का कई लोगों ने बहुत दुरुपयोग किया। हम आपको अपना समझ करके आपको सहन करते रहे, लेकिन आपने हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार करना शुरू किया कि जिससे हमारे जान पर आ गई। तो जब हमारे जान पर आ जाती है, जब अधर्म का शासन शुरू हो जाता है, तब इसी भूमि से एक संदेश निकलता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय तु साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों का विनाश करना, उस समय फिर इस पावन भूमि का आदमी अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र उदार करके पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करता है। हमारे साथ यही हुआ, भारतवर्ष ने पूरे दुनिया के लोगों को आत्मसात किया। आप पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करूंगा कि जिससे हमारी मिमिक्री हो, जो तथ्य है वो तथ्य मैं और दावे के साथ छाती ठोक करके आपके सामने रखूंगा। किसी को कहीं भी जरा लेस मात्र शंका हो तो कभी भी बुला करके उसका निराकरण किया जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में मैंने भाग लिया था और मैं जेल गया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उक्त वाहिनी सेना में नहीं था। आज यहाँ से मैं कुछ भी बोलूं तो आप लोगों को यह विश्वास होगा कि जो कह रहे हैं सही है, ऐसा नहीं। लेकिन जब इस जगह पर बैठा हूँ, ऐसी पावन जगह पर बैठा हूँ जहाँ यह राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार की कल्पना लेकर के हम चलते हैं, तो झूठ बोलने की लेस मात्र गुंजाइश नहीं होती है। तो साथियों, हमने पूरे विश्व के लोगों को आत्मसात किया। यहाँ पर आपके पूरे दुनिया के धर्म मिलेंगे, पूरे दुनिया के धर्म स्थल मिलेंगे, और एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इस पर शायद आप बाधा उठा सकते हैं, इस पर आप विरोध जता सकते हैं, एक भी धर्म का पूजा स्थल ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको यहाँ पर तोड़ा गया है। जैसा कि मैंने कहा, अभी बहुत लोग इस पर विरोध उठा सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा, प्रशासन की तरफ से नहीं, कुछ गुंडों की तरफ से, उनको मैं गुंडों की उपाधि देता हूँ, जिन्होंने चर्च तोड़ा होगा, जिन्होंने मस्जिद तोड़ा होगा, जिन्होंने मंदिर तोड़ा होगा, वो समाज के गुंडे हैं। प्रशासन की तरफ से यह काम नहीं हुआ। हमने सबको आत्मसात किया, सबको अपना कुटुंब माना, अपना परिवार माना, और उनको स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 600 वर्ष तक हमारा देश किसी और का गुलाम रहा, 600 के बाद कई सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन उसमें भी बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुगल आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन मुगलों ने कभी जनता का शोषण नहीं किया, जनता के ऊपर वो अत्याचार नहीं किया कि जिनकी वजह से उनके ऊपर या उनके विरोध में जन आंदोलन खड़ा हो जाए। और उसी का परिणाम है कि आज भारत में करोड़ों मुस्लिम हमारे भाई रहते हैं, भारतीय बनकर रहते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। कुछ सिरफिरों की वजह से इस देश का टुकड़ा हो गया, कुछ सिरफिरों की वजह से, कुछ पागलों की वजह से, लेकिन टुकड़ा करने के बाद में वो अभी पछताया और रोया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने पश्चाताप किया कि मुझे फिर से भारत में मिलना है। बात नहीं बनी, वो बात अलग है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज मेरी दाहिनी बांह अगर हिंदू है तो बाई बांह मेरी मुस्लिम है। यह अगर हिंदू धर्म है तो यह इस्लाम धर्म है। इस तरह से मिल करके तब हाथ जोड़ करके ही हमारा संबोधन होता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उनके पांव 200 बरस के अंदर ही उखड़ गए। उन लोगों ने जब हमारी संस्कृति का विनाश करना शुरू किया, जब उन्होंने हमारे जन को शोषण करना किया,
हमारी संपत्ति लेते थे तब तक हमने नहीं बोला, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमने संपत्ति बांटा है, आपने देखा होगा, यही एक देश ऐसा है कि जिसने पूरे दुनिया पर शासन किया, दुनिया को जीता, लेकिन अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने बेटी को वहाँ का शासक नहीं बनाया। धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा, लेकिन शासन करने के लिए नहीं भेजा। राम ने लंका जीता, विभीषण को बैठा दिया, कृष्ण ने कंस को मारा, वहाँ पर उग्रसेन को बैठा दिया, खुद शासन नहीं किए, खुद के ऊपर आए तो मथुरा छोड़ करके गुजरात चले आए। तो हमने कभी अतिक्रमण नहीं किया, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जब हमारे ऊपर शोषण का और दमन का चक्र चलना शुरू हुआ, जब जनता का दमन होना शुरू हुआ, तो यहाँ से कई सपूत ऐसे बागी तेवर वाले हमारे नौजवान साथी खड़े हो गए, जिन्होंने भारत की आजादी का नारा फूंक दिया। और यह सिलसिला 1857 में शुरू नहीं हुआ, इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इतिहास को, आज की संस्कृति को, आज के वर्तमान समय को हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को अवगत कराएं। यह 1764 से शुरू हुआ, 64 से पहला बंगाल के अंदर बगावत हुई, उसके बाद में फिर मंगल पांडे की ये उमरावगिरी और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुस्लिम हमारे बिरादर हुआ कहते थे, उनके आगेवानी में हुआ, उनको अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया, फिर भी यहाँ के लोग झुके नहीं, रुके नहीं। सन 1857 की आजादी की लड़ाई का आप सूत्रपात हुआ, इसकी चर्चा सभी जगह आप लोग जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आगेवानी और मंगल पांडे की आगेवानी में, और वह चिंगारी ऐसी धत की कि जब तक आंदोलन चलता रहा, जब तक भारत हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ, उसी समय में सन 1857 के अंदर इसी पावन भूमि पर, इसी गुजरात की पावन पवित्र भूमि के ऊपर, कच्छ के अंदर मांडवी नाम की एक जगह पर पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ। पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का इतिहास के पन्नों में छुप कर रह गया। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, तो दो तरह के आंदोलनकारी पैदा हुए। एक आंदोलनकारी थे जो स्वराज मांग रहे थे, एक आंदोलनकारी ऐसे थे जो संपूर्ण स्वराज मांग रहे थे। जिन लोगों ने स्वराज मांगा, अंग्रेजों के शासन के अंदर अपनी सरकारें बनाई, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उसमें देश में प्रधानमंत्री भी बने, उनको केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी थी। लेकिन जिन लोगों ने संपूर्ण स्वराज मांगा, उन लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, अपने जान की आहुति दे दी, जिसमें पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, सरदार भगत सिंह का आता है, सुभाष चंद्र बोस का आता है, सुखदेव का आता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खान का आता है। ये लोग आजादी देखने के लिए नहीं रुके, इन लोगों ने ऐसी चिंगारी फूंकी, इन लोगों ने संपूर्ण स्वतंत्रता मांगा। लेकिन कुछ आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता मांगा, और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के शासन में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, वो कंगूरा बनना चाहते थे। लेकिन साथियों, याद रखिएगा, अपने जिंदगी में आपने देखा होगा, आपने अपना मकान देखा होगा, जिन लोगों ने अपने मकान में देखा है कि उनके बाप दादा बनवा करके गए हैं, 15 बरस के बाद, 20 बरस के बाद, 25 बरस के बाद में उसकी मरम्मत करानी पड़ती, उसके कंगूरे ढह जाते हैं। पंडित श्याम कृष्ण वर्मा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खान, इन लोगों ने कभी कंगूरा बनने का ख्वाब नहीं देखा। इन लोगों ने नींव की ईंट बनना चाहा, और नींव की ईंट बन करके पूरे स्वतंत्र भारत की इमारत इन्होंने रखी। एक बात और याद रखेगा, बिल्डिंग ढह जाती है, लेकिन नींव कभी ढहती नहीं है, उसका अवशेष मिलता है, उसकी सभ्यता मिलती है। और यही कारण है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में आज भी हमारी सभ्यता निकलती है। उस समय कैसे मल थे आपको नहीं दिखाई देगा, लंका सोने की थी कि नहीं थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन राम के आक्रमण के अवशेष आज भी मौजूद है, इतिहास इस बात का साक्षी है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, कि आप लोगों ने जो बलिदान दिया, जिसने यह सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, वो इस दुनिया में अमर हो गए। उनका इतिहास बना ना बना ये एक अलग बात है, लेकिन उनको कभी भूला नहीं जा सकता। हम अपने पिताजी का या हमारे अपने जो हमारे पूर्वज हैं, उनको कभी हम भूल नहीं सकते। वो नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
होता क्या, आप यहाँ बैठे होते, आपके माँ बाप नहीं होते तो आप यहाँ होते, तो आज जिस स्वतंत्र भारत में आप लोग बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, देश के अंदर गृह मंत्री बनने वाले, देश के अंदर मंत्री बनने वाले, उनकी देन नहीं है, उनकी देन है जिन्होंने, जो लोग खपा हो गए, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और नींव की ईंट बन गए, उसमें पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का नाम है। श्याम कृष्ण वर्मा भारत से निकल करके यूरोप जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र के सानिध्य में आते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बताना चाहूंगा, इसलिए कि श्याम कृष्ण वर्मा को जानिए, अपने पूर्वजों को जानिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके परिवार के पूर्वज कहीं न कहीं अपने बलिदान दिए हैं, आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, लेकिन उनका इतिहास नहीं बना, इसलिए नहीं बना कि उनको ये इमारत बनानी थी। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाने वाले लोग हमको देख रहे हैं, क्या आलीशान इमारत है, कैसे लोग बैठे हैं, लेकिन अगर नींव हिल जाए तो हमारी दशा क्या होगी, क्या होगी, कहाँ जाएंगे हम, अगर इसकी नींव हिलने लगे तो हमारी दशा क्या होगी, यहाँ से भागने लगेंगे। वो लोग भागने वाले नहीं थे, कील के पत्थर बन गए साथियों। ऐसे महान पुरुषों को आज भी मैं अपना श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूँ, और उसमें से पंडित श्याम कृष्ण वर्मा एक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र ने उनको यूरोप भेजा, पहला आदमी, आप सोचिएगा, अब आपके दरवाजे पर मैं आऊंगा तो आप मुझसे झगड़ा कर सकते हैं, मुझसे डांट सकते हैं, लेकिन मेरे गली में आकर के अगर आप सीना खोल करके मेरे साथ लड़े तो मैं आपको मर्द मानूं। यह इस भारत माता का सपूत ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटेन की छाती पर, ब्रिटिशरों के छाती पर अपना पांव रख करके वहां इंडिया होम रूल्स की स्थापना किया और एक नए हिंदुस्तान का निर्माण किया, वह नाम है पंडित श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा कोई मामूली आदमी नहीं थे, उन्होंने आंदोलन नहीं किया, लंगोटी झोली पहन करके नहीं किया, उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया भारत की आजादी के लिए। ऐसे सपूत श्याम कृष्ण वर्मा जी थे, उनको न्याय नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए न्याय नहीं मिला कि इतिहास को दबा दिया गया। इतिहास में आगे कौन आए, जो स्वार्थी लोग थे, जो लालची लोग थे, जिनको देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना था, गृह मंत्री बनना था, मंत्री संतरी बनना था, ऐसे लोग आकर के चढ़ बैठे। लाला लाजपत राय को कितने लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को कितने लोग जानते हैं, इस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी की देन है मदन लाल ढींगरा। आपने जाना होगा, अंग्रेज में जाके, इंग्लैंड में जाकर के अंग्रेज की छाती में गोली ठोक दिया, वह भारत का समूह मदन लाल था, और वह देन थी, उसका निर्माण करने वाला, उसका चरित्र बनाने वाला, निर्माण करने वाला पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो आज आरएसएस वाले जिनका गर्व ले रहे हैं, सावरकर का भी निर्माण करने वाला पंडित श्याम कृष्ण वर्मा था। और एक ऐसा भारतीय जिसने पहली बार इंग्लैंड में जाके, ब्रिटेन में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी किया और वहां का पहला ग्रेजुएट बना, पहला हिंदुस्तानी ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां से उन्होंने एमए किया, वहां से उन्होंने भारत ला की डिग्री लिया, बैरिस्टर बने, वो थे पंडित रामकृष्ण वर्मा। उन्होंने देखा, वो हिंदुस्तान भी आए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर रह करके मैं देश को आजाद नहीं करा पाऊंगा। उन्होंने ऐसे लोगों का निर्माण किया, ऐसे लोगों का निर्माण किया कि जिन्होंने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दिया, अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अगर अब तुम बैठे रहे तो सिर के बल उधर गिरोगे, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। मात्र आप ऐसा समझते हैं कि असहयोग आंदोलन करने से, सत्य अहिंसा का आंदोलन करने से लोग नहीं भागे, जब अंग्रेजों ने देख लिया कि अब हम जितने यहाँ पर बैठे हुए एक भी जा करके यूरोप का दर्शन नहीं कर पाएगा, हमारी औलाद वहां नहीं जा पाएगी, तब वो भागे हैं दोस्तों, हमारे ऊपर उन्होंने दया नहीं किया है। और वह स्थिति पैदा करने वाली जो जमात थी, जो शहीदों की जमात थी, उसके अगुवा पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी थे, और उसके सैनिक सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, ऐसे हजारों लोग अपना जान न्यौछावर कर दिए, तब उसके बाद भारत की आजादी मिली है। यस, आज कोई भी लेता हो, अगर मुझे भारतवर्ष के अंदर राजनीति करनी है तो मुझे भी उनका नाम लेकर के उनका नारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है। अगर आप सही बात कहते हैं तो आपके सहयोगी कम मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा, असत्य की ताकत बहुत होती है,
लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सत्य भले ही आज आपको दिखता हो कि उसकी उम्र सत्य की उम्र शाश्वत है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली है, और उसकी ताकत इतनी विशाल है कि उसके सामने असत्य रुक नहीं सकता। मात्र आपको समय का इंतजार करना है। आपका समय कमजोर हो सकता है, याद रखिएगा, मेरे सामने बैठे हुए मेरे वीर जवानों, मेरे साथियों, आप कमजोर नहीं है। अगर किसी के मन में लगता है परिस्थिति की वजह से आप कमजोर हैं, नहीं, आज मेरी बात याद रखिएगा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की बात को याद रखिएगा, आप कमजोर नहीं है। आपका वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता भरी हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने अंदर राम श्याम कृष्ण वर्मा को ढूंढने की, अपने अंदर सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा। आप देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको पता लगता है आगे से कौन सी ट्रक आ रही है, कौन सा वाहन आ रहा है, मुझे नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप देखते हैं कि नुकसान नहीं कर सकता है तो आप निश्चिंत होकर के जाते हैं, लेकिन जब आप देख लेते हैं कि नुकसान करने वाला है या मुझे चक्कर मारने वाला है, तो आप अपना बचाव करते हैं कि नहीं करते हैं, रास्ते से हटते हैं कि नहीं हटते हैं। उसको हटाने की क्षमता में आप अपने आपके अंदर अगर होगी तो सामने से उसको टक्कर मार के हटा भी सकते हैं। तो आने वाले भारत के भविष्य के मेरे निर्माताओं, मेरे साथियों, आने वाले भारत का भविष्य आपके हाथों में निहित है। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, आपको अपने आप को पहचानना होगा, और नए भारत के निर्माण में ऐसे वीर शहीदों का, ऐसे वीर सपूतों का हमारे आज के बागी तेवर वाले नौजवानों को अवगत कराना होगा, नौजवानों को उनका इतिहास बताना होगा, उनको जगाना होगा, उनको चिर निद्रा से जगाना होगा, उनकी ताकत का उनको एहसास कराना होगा। जब रामचंद्र सीता जी की खोज के लिए बंदरों की सेना को भेजते हैं, सारे लोग निराश हो जाते हैं समुद्र के किनारे बैठ करके। सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत का परिचय दिया, कोई बोला मैं आधे दूर पहुंचूंगा, कोई बोला थोड़े दूर पहुंचूंगा, कोई बोला मैं पहुंच जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं आऊंगा। तब वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था इनके जैसा, जिसका नाम था जामुन। उन्होंने कहा कि अरे हनुमान क्यों चुप बैठा हुआ है, तू तो कितना समर्थ है। और बात सुनते ही हनुमान जी अपनी ताकत को पहचान गए, लंका में गए, सीता की खोज तो लगाए ही लगाए, लेकिन राम लंका को इतना कमजोर बना दिए कि 10 दिन के अंदर पूरी लड़ाई पूरी हो गई, रावण का पूरा परिवार। तुम्हें मेरे हनुमानों, इस भारत का भविष्य आप लोग हैं, इस भारत के भविष्य के निर्माण के लिए आज से आप उसका खड़े हो जाइए। अकेले सुरेंद्र सिंह चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, मुस्तकबिल की चादर को मैं अकेला बुन नहीं सकता, तेरा ताना जरूरी है तो मेरा बाना जरूरी है। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, ऐसे वीर सपूतों के चरणों में मैं सादर नमन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को लक्ष्य में रख करके अपनी ताकत को पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए, और अपने हौसले बुलंद करके इस नए भारत के निर्माण में कूद पड़िए, जूझ पड़िए। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करिए, सत्य का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है, सत्य का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है। जय हिंद, जय भारत। अब इसी के साथ में हमारे बीच में है भूतपूर्व सैनिक नरेंद्र सिंह चौहान, जो एक बहुत तेज तर्रार सैनिकों को आप लोग जानते ही हैं कि वो बॉर्डर पर कैसे लड़ते हैं। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी, ये भी अपने विचार रखेंगे। इस श्रद्धांजलि में उपस्थित आप सभी महानुभाव और मंच पर विराजमान उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, सबसे पहले तो मैं उन माता जी को याद करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का जो लोकार्पण की सभा यहां पर की जा रही है, मैं विश्वकर्मा जी को सत सत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उस माता जी को भी मैं नमन करता हूं कि
विश्वकर्मा जी जैसे सपूत को जन्म दिया। मित्रों, हम सबको याद रखना है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनको कभी भूलना नहीं है। कुछ चंद लोग ही नाम लिए जाते हैं हमारे बलिदान दिया है, जो कि इतिहास में उनका कहीं नाम भी नहीं है। वो हमारे भी पूर्वज हो सकते हैं, आपके भी पूर्वज हो सकते हैं और पूरे देश के पूर्वज हो सकते हैं। तो जिस प्रथा का चलन हमारे विश्वकर्मा जी ने शुरू किया है, इसलिए इनको देखते हुए पूरे देश के युवाओं से मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, अपने इतिहास को, अपने माता पिता को याद करके ऐसे प्रचलन को जारी करते रखना चाहिए। क्यों जारी रखना चाहिए? क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा हमारे मदर पिता, पिताजी और माताजी का स्वर्गवास होता है तो हम उनकी क्या मनाते हैं? पुण्य तिथि मनाते हैं, वार्षिक मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये हमारे भारत देश का एक इतिहास है। इतिहास है कि हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए और दूसरे युवाओं को संदेश देते हैं। आज हमारे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है, पर उनका बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मेरी बात को ध्यान में रख करके इस बात को एक संदेश पहुंचाना है कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं, युवाओं को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने भारत देश का भविष्य को आगे ध्यान में रखते हुए जागृत होना है और ऐसे ही प्रोग्राम करते रहना है। क्यों करते रहना है? कि इसका कारण यही है, हमारे जो देश की जो संस्कृति है उसको जिंदा रखना है। ये तो बात हुई हमारी स्वर्गीय पार्वती देवी जी की स्मृति में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आज आप जैसे राष्ट्रीय सम्मान 2021 में लोकार्पण का जो समारोह, श्रद्धांजलि समारोह रखा है उसकी। अब मैं बात करता हूँ देश के सैनिकों की। देश के सैनिक जब अपनी सरहदों पर, देश की सरहदों पर ड्यूटी दे रहे हैं, तब हम सब क्या हैं? शांति से सो रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। यदि आप एक कल्पना करिए यदि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ने अपनी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद भगत सिंह हुए और भी बहुत सारे हुए, अगर वो हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते या अपना बलिदान नहीं देते, तो क्या हमारा देश आज आजाद होता? क्या होता? होता क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं होता। तो उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों ने भी अपने देश को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश को आगे संसार का नंबर वन भारत देश को बनाने के लिए, हमको भी अपने नाक कान खुले रख करके आगे कदम उठाना चाहिए। गलत का, झूठ का, फरेब का साथ नहीं देना है। आज एक संकल्प लीजिए आप सब कि गलत का, फरेब का, झूठ का साथ ना देते हुए सच्चाई का साथ देना है। सच्चाई का साथ देना है, क्योंकि कहते हैं ना, सच सच कभी हारता नहीं है, कभी मरता नहीं है, झूठ के ज्यादा पैर होते भी नहीं। तो इसलिए आज मैं ज्यादा आपको कुछ न कहते हुए मैं सब आप सबसे यही संकल्प लेना चाहता हूँ कि अपने देश के भविष्य के लिए जागरूक हो जाइए और जागरूक होकर के जिस तरह से उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने त्याग और बलिदान की बाजी, अपनी जान की बाजी लगा दी, अगर ऐसा देश के अंदर हमारे को भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, ना ही रुकेंगे। और दूसरा सबसे अच्छी बात यही है, हम लोगों में, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। इस बात को याद रखना। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ हिंदू खतरे में है। भाई साहब, इतने दिन हो गए, मेरी 53 उम्र है, मैंने 1984 का सिखों का जो संघर्ष हुआ था, 1984 में शायद इंदिरा गांधी जी के का हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत सारा ऐसा संघर्ष हुआ, बिना बात के, बिना कुछ भी
सिर्फ भटकाने का, दिमाग को लोगों का भटकाने के लिए ये सब कहानी रची गई। तो कहने का मेरा मतलब यही है, हमारा देश किस कदर कहाँ की तरफ जा रहा है, उससे बचाने के लिए हम सबको तत्पर रहना है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी से विश्वकर्मा जी, ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी को मैं अभिनंदन हृदय से करता हूँ, और सरकार से भी मैं नम्र निवेदन यही करता हूँ, जिस तरह से हमारे सकारात्मक सोच, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत जो VRJS सकारात्मक बैठक राष्ट्र भारत के परिवार के आयोजक श्री राम जानकी संस्थान के हमारे सह आयोजक ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी जो हैं उन, और दूसरे हमारे उदय कुमार मन्ना जी मीडिया कर्मी राष्ट्रीय संयोग, इन राम जानकी संस्थान को भारत सरकार को इनको भी एक फंड देना चाहिए, जिससे ये अपने इस अच्छे काम को और अच्छी दिशा निर्देश, दिशा की तरफ, यानी अपने देश के अंदर तो है ही अपने संसार के अंदर भी इसका नाम रोशन कर सके, और अपने माता पिता को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए हर युवा को ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए। भारत माता की जय, दोनों हाथों से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। अब हमारे बीच में है किशन कुमार शर्मा जी, ये भी अपनी कुछ बातें रखेंगे। नहीं जी, लाइक आ रही है? नहीं, मेरे भाई सुरेंद्र भाई डॉक्टर कुमार ने उनके लिए सब कुछ बता दिया, और आज जो प्रोग्राम राम जानकी संस्था की ओर से जो माता श्री को जो अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड का प्रोग्राम सीधा दिल्ली से प्रसारण हो रहा है, उसकी चर्चा के अंदर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, तो पहले तो हम राम जानकी संस्था जो दिल्ली है उसको खूब खूब बधाई देते कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर ज्ञानेंद्र जी की माता जी को जो मरणोत्तर अवार्ड मिल रहा है उसके लिए हम उसको श्रद्धांजलि के रूप में और उनका आभार। दूसरा मित्रों, सब कुछ डॉक्टर साहब तो एक ऐसे हैं कि आज ये गुजरात के MLA थे, लेकिन स्पष्ट वक्ता होने के कारण जब आदमी स्पष्ट बात बोलता है तो वो चुपती है बहुत सारी, तो नेताओं को इतनी ज़्यादा चुपती थी क्योंकि मैं तो इनके इनका कायल रहा था, इनके भाषणों को सुनता था, लेकिन बहुत ही तेज और तलवार इनके बोलने के अंदर एक अंदाज का बहुत। मेरी अभी 3 फिल्म आ रही है ये महीने में, एक तो अभी लवनो भावाड़ो, उसके अंदर मेरा गांव के जो 5 पंच होते हैं, जो गांव के 5 पंच जो न्याय करते हैं वो, दूसरा एक बहुत अच्छी मेरी फिल्म है लॉकडाउन, एक षड्यंत्र, उसमें मेरा जफर चाचा का मुस्लिम का पात्र है, और जिस तरह से मुस्लिम लॉकडाउन के अंदर जो डर जाते हैं और डर के वो इतने डरते हैं कि लॉकडाउन के अंदर हॉस्पिटल की तरह जाने के अंदर लोगों को घायल करते हैं, तो हमने ये फिल्म इस तरह बनाई कि मेरा एक बेटा जफर, और जफर होता है तो वो चिल्लाता है कि जफर चाचा के लिए कि भाई जफर चाचा को मत ले जाओ, मत ले जाओ, तो ले जाते हुए उसको रोका जाता है और वहाँ पर वो एक अच्छा सा डायलॉग। और तीसरी फिल्म मेरी आ रही है माँ बाप ना चरणों में चारों धाम, उसके अंदर मैं कास्टिंग डायरेक्टर तरीके हूँ। ये तीनों फिल्म ये 2 महीने के अंदर मैंने बनाई है, और तो धन्यवाद तो मैं भाई ज्ञानेंद्र को देता हूँ कि उनसे तो बहुत साइज में छोटा है लेकिन साइज बहुत ऊँचा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम कभी दुबई भागता है आएगा, मैं टिकट करवा रहा हूँ चलने का, मेरे मेरे भाई मेरे को यही रहने दो, तो दुबई हो गया तो खूब खूब ऑल मीडिया काउंसिल के सभी जो अहदेदार हैं उनको, हमारे आर्मी के जो जिनके पीछे हम बैठे हुए हैं, भाई ज्ञानेंद्र को और राम जान की संस्था को और भाई सुरेंद्र को। हमारे बीच में एक छोटा लड़का है जो आज उसके देश के जज्बात है, जिसका नाम है अविनाश। अविनाश डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी गौतम के सुपुत्र हैं।
यह लड़का बहुत ही स्पष्ट वक्ता अपने पिता की तरह है। इनको मैं सुना भी हूँ और इनका एक प्रोग्राम था सर्किट हाउस में और वहाँ आराध्य पाठी जैसे जो जज बैठे हुए थे वहाँ लड़का बहुत अच्छा वक्ता। आज आपके बीच में जो देश के लिए आज जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए अपना विचार रखेगा अविनाश। यहाँ पर सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम अविनाश गौतम है। आज RJS राम जानकी संस्था की तरफ से ज्ञानेंद्र अंकल ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। आज यहाँ एक डॉक्टर जी की फोटो लगी है, हम SS की बुक पढ़ते हैं लेकिन कभी इनका नाम ही नहीं पता। ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम दबा दिया गया है लेकिन उनने ही नींव डाली है इंडिया को आज़ाद करने के लिए, इंडिया को स्वतंत्र बनाने के लिए। कुछ जैसा राजा ने कहा कि कुछ लोगों को मंत्री बनने की बहुत शौक थी और उनका नाम सबसे ऊपर आता है, जिनने कुछ नहीं किया है सही में देखे तो, बस देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से आगे बढ़ाते गए हैं। आज वैसे लोगों को हमें हटाना है, हमें उन लोगों को याद करना है जिनने भारत को सही में इंडिपेंडेंट किया है, स्वतंत्र बनाया है। और बस नहीं कहूँगा, अब तो सब लोग बहुत एजुकेटेड है, सबकी समझ बहुत आगे तक है। बस जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में मीडिया इंचार्ज हमारे हैं चरण सिंह राजपूत, उनके भी दो शब्द होंगे। चरण भाई दो शब्द आपके भी बोल जाएंगे। प्रकाश यादव, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। ज्ञानियों को तरफ से जो आयोजन यहाँ रखा गया है बहुत बढ़िया है। तो वो शक्ति में ही ताकत है, शक्ति होगी तो ताकत होगी, ताकत होगी तो शक्ति। हम एक दूसरे से मिलके जिस तरह से आज हम जो शहीद हुए हैं, अधिगत उन लोगों को हमने आगे कभी याद ही नहीं किया। आज हमारे जैसे जैसे दादा है इन्होंने जो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई जो हमारे जो लोगों जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए और उन्हीं के लिए हमने याद ही नहीं किया, तो प्रगति या दूसरे जो राजकारण में सबने डाल डाल के इनको दबा दिया गया। हकीकत में मूल भाग तो इन्हीं का, जो आज हम यहाँ बैठे हुए आज़ादी में जो सब घूम फिर रहे सब इन्हीं शहीदों की वजह से आज मिलता है। इसीलिए हम सब मिलके इस सौभाग्य बने और इसी के अंदर अपना जो भी कुछ अपना योगदान जो बने ताकत शक्ति सब मिलके इकट्ठे होके इसके को मैं आगे बढ़ाए। हमारे बीच में है मानव उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख पटेल इद्रीस, वो भी अपने विचार रखेंगे। यहाँ पे उपस्थित तमाम भाइयों को मैं अंदर ही से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस देश के लिए ये जो नौजवानों ने और शहीदों ने जो भी सकारात्मक काम किया है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में बलदेव सिंह राठौर जी हैं, मैं चाहूँगा कि आज के आयोजन पे वो भी अपनी कुछ बातों को रखें कि जो उनकी कुछ बातों को हम लोग ग्रहण कर सके। बलदेव सिंह राठौर आप पहले अपने बारे में बता देना, परिचय हो जाए। मेरा नाम बलदेव सिंह जगत सिंह राठौर है, मैं व्यवसाय से प्रॉपर्टी डीलर हूँ और यहाँ नरोड़ा हंसपुरा में रहता हूँ। पैदा होते ही प्रॉपर्टी डीलर बन गए? पहले क्या थे क्या थे वो बताओ ना, आज प्रॉपर्टी डीलर पर्चे क्या थे वो लोगों को वो जानना है। पहले तो मैं इंटीरियर का काम कर रहा हूँ। तो बता दो सब बताओ फिर बोलो। आज के दिन तो खास आप लोगों ने सब बोल दिया है, इसके बारे में यार हमारे तो जो मैन नीव है भारतीय इसके बारे में बोलना हमें याद रखा है, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। ठीक है, मामूली हम खबर सकता है। तो यहाँ विराजमान बैठे हुए मैं डॉक्टर श्री एस पी गौतम साहब और ज्ञानेंद्र जी, निरंजन सिंह जी, बबीता और शर्मा जी, उन्होंने मेरे आने से पहले बहुत अच्छा व्यक्तित्व दे दिया है। मेरा तो यही है कि जो भारत को आज़ाद कराने के जो नींव के अंगूरे नींव की हिट बने हैं उनको अपनों
याद करना चाहिए मेन बात, और उनके साथ साथ में अपना आपस में मेल जोल नीचे से शुरू करना चाहिए। जो एकदम बिल्कुल जिनको कोई पहचान नहीं है उनको आगे लाके उनके थ्रू अपन को आगे बढ़ना है, और एक दूसरे की समरस भावना के साथ में चलकर एक दूसरे को साथ सरकार देके भारत के बारे में जो विचार धारणा करते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सभी जो 37 कोम है उसको साथ में लेके एक अपन जहाँ रहते हैं अपने वतन भूमि की रक्षा के लिए जो करता है उनको मैं सिर दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज का जो आयोजन रहा है बहुत ही सकारात्मक भारत एक सोच जो है उसके लिए आज हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल गौतम सिंह, ये मेरे एक मार्गदर्शक भी हैं, एक कुशल वक्ता है, ये अपना समय निकाल कर आए, मैं इनका खूब खूब दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो हमारे नरेंद्र सिंह चौहान एक्स आर्मी या सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, जो सैनिक आज शहीद हो जाते हैं उनका परिवार किस तरह और किस परिस्थितियों में रहता है उसको लेकर इनका एक मुहिम है जो पूरे देश में सैनिकों के लड़े हैं वो भी आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे शर्मा जी हैं, ये भी बहुत कम अभी निकल रहे हैं कोरोना काल में क्योंकि उम्र भी हो गई है, निकलना भी कम चाहिए, फिर भी वो समय निकाल कर आए, उनका खूब खूब धन्यवाद। और साथ में जो हमारी ऑल मीडिया काउंसिल परिवार की टीम है, जो टीम वो टीम ही है तो मैं हूँ, अगर वो टीम नहीं होती तो मैं नहीं होता, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उस टीम के सहारे हूँ, एक आवाज़ देता हूँ तो पूरी टीम मेरे साथ होती है। उन सभी पदाधिकारियों का मैं दिल से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, चाहे वो आर्थिक रूप हो, शारीरिक रूप हो, मानसिक रूप हो, हर जगह उनका योगदान मिलता है। मैं उन सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो इसी तरह मेरे साथ हमेशा खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। आज की ये जो सभा है यही समाप्त की जाती है।